नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 3 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के बीच भी आप उसे आगे बढ़ा सकें और आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो बिल्कुल अपने सत्र के में स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, मेकिंग इट काउंट। देखो आज का जो टॉपिक है ना, ये हेल्थ को लेकर है, विकलांगता को लेकर है, जो डिजेबिलिटी का की जो बात है, ठीक है। NFHS क्या होता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो उसके मतलब का छठा संस्करण जो है उसमें डिजेबिलिटी को जोड़ने को लेकर है, ठीक है। तो उसको जोड़ने को लेकर है कि उसको जोड़ने से क्या फायदा होगा, सरकार को किस प्रकार से मदद मिलेगी, ठीक है। तो उसको लेकर चर्चा की गई है। तो यहाँ देखो चर्चा करते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर ऑन डिसीजंस इज नॉन कंटेस्टेबल। वो सिग्निफिकेंस जो है, महत्व जो है, नीतिगत अवधारणाएं जो हैं, ठीक है, तो नीतिगत जो अवधारणाएं हैं और फिर उसके अनुसार लिए जाने वाले फैसले को प्रभावित करने में जो आंकड़ों का महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा है, उसका जो महत्व है वो बिल्कुल जगजाहिर है और है भी। मान लो कोई डिसीजन लिए जाते हैं या फिर कोई क्या फिर कोई अवधारणाएं बनाई जाती हैं तो उसमें आंकड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं तैयार होती हैं, डेटा जुटाए जाते हैं और बातें आगे बढ़ती हैं। द कंट्री टेक्स पीरियोडिक स्टॉक ऑफ वेरियस पैरामीटर्स जस्ट टू इन्फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज बेटर। अब देखो देश जो है, मतलब कि भारत जो है, तो किस प्रकार से काम करता है, ये समय समय पर भारत में विभिन्न मापदंडों के आंकड़े जुटाए जाते हैं ताकि जो कल्याणकारी नीतियां जो हैं बेहतर सूचनाओं उसमें जा सके, कल्याणकारी नीतियों में बेहतर इन्फॉर्मेशन आ सके। उससे क्या होगा, कल्याणकारी नीतियाँ अच्छे से काम करेंगी, वेलफेयर पॉलिसीज क्या होंगी, अच्छे से काम करेंगी अगर इन पॉलिसीज में सही सूचनाएँ ऐड की जाएंगी तो। और ये की जाती हैं, है ना। इन कंटेक्स्ट अब देखो संदर्भ में देखें, द रिसेंट डिसीजन जो है, हालिया निर्णय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का, टू ड्रॉप द डिजेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अभी देखो क्या हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अभी मैंने आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS का हिंदी बताया था, है ना, यही बताया मैंने आपको। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जो है उसमें से डिजेबिलिटी सेक्शन को हटा दिया गया है, विकलांगता संबंधी सवाल हटा दिया गया है। तो ये जो निर्णय है ना, ये थोड़ा बचकाना लगता है, चर्डलिस लगता है और सेंड्स आउट रॉन्ग सिग्नल्स और गलत संदेश ये देता है आफ्टर ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग फॉर द सेम। देखो सालों भर कैंपेन किया गया इस चीज़ को लेकर के, है ना, कि इसको ऐड किया जाए। एक्टिविस्ट रिजॉस्ट व्हेन द गवर्नमेंट एडेड वन क्वेश्चन ऑन डिजेबिलिटी इन द NFHS 5। देखो NFHS 5 में, ठीक है, डिजेबिलिटी क्वेश्चन को ऐड किया गया था, सरकार ने ऐड किया गया था, तो ये वैसे ही ऐड नहीं किया गया, इसके लिए एक्टिविस्ट ने काफ़ी दिनों तक, वर्षों तक कैंपेन किया, अभियान चलाया। तो एक्टिविस्ट एक तरह से ओवर होपफुल, आशावान हुए, आशान्वित हुए कि दिस वुड बी बिल्ट अपन इन सबसिक्वेंट वर्जन्स ऑफ द नेशन वाइड सर्वे, कि सरकार ने जो ये ऐड किया है तो उन्हें उम्मीद मिली एक्टिविस्ट को कि राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आगे जो आने वाले संस्करण हैं उसके लिए आधार का काम करेगा, बेस का काम करेगा। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि विकलांगता संबंधित सवाल हटा दिया गया है, डिलीशन एंड द रिलक्टेंस टू मैप द मिन्यूटीज दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड देयर लिव्स एंड नीड्स बेटर लिव्स द क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट सीरियस अबाउट इट्स कमिटमेंट टू द डिजेबल्ड इन द कंट्री हु नंबर एज पर 2011 सेंसस अबाउट 2.68 करोड़। देखो 2011 के आंकड़ों की बात की जाए, जनसंख्या आंकड़ों की बात की जाए, तो देश में जो दिव्यांग आबादी है, जो विकलांग आबादी है, वो 2.68 करोड़ है। लेकिन क्या सरकार इनके प्रति गंभीर है, क्या सरकार इनकी ज़रूरतों के प्रति गंभीर है, क्या मददगार होना चाहती है, उनकी जिंदगियों ज़रूरतों को बेहतर ढंग से हैंडल करना चाहती है? तो जिस प्रकार से सरकार ने ये क्वेश्चन, विकलांगता संबंधित प्रश्न जो है हटा दिए हैं NFHS 6 में से, उससे थोड़ा समस्या सामने आता है, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है,
वो जो हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसका जवाब जो आया है, रिस्पॉन्स जो आया है कि जुलाई और दिसंबर 18 के बीच में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे हुआ था, इसे बोलते हैं SRS, उसका उसके 17th फेज के एक हिस्से के बतौर विकलांगता संबंधित प्रश्न जो है पहले ही पूछे जा चुके हैं। डिजेबिलिटी वर ऑलरेडी आस्क्ड, क्वेश्चंस अबाउट डिजेबिलिटी वर ऑलरेडी आस्क्ड, पहले पूछे जा चुके हैं किसमें, SRS के 76वें राउंड में, जो कि जुलाई और दिसंबर 18 के बीच में हुआ था। एंड दैट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी टेब्यूलेटेड फ्रॉम द रॉ डेटा व्हिच इज आल्सो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। और देखो रॉ डेटा की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ना, उस सर्वेक्षण के जो पूरे अधूरे आंकड़े हैं, रॉ डेटा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उससे कोई भी विशिष्ट सूचना, ठीक है, ली जा सकती है, ऐसा कहा गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से। ठीक है, यह भी कहा गया है कि जो विकलांगता संबंधित आंकड़े हैं, डेटा जो है, डेटा जो ग्रॉस डेटा जो डिएबिलिटीज पे हैं, विल चेंज मार्जिनली बोथ स्टिल बी सब्सटेंशियल गिवन द नंबर एट द काउंट ऑफ 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड सब नेक्स्ट स्टेट देते हैं households that the NFHS relies on will make the data set truly representative। अब यहाँ पे बात ये की गई है कि जो आंकड़े हैं ना, विकलांगता संबंधी दिव्यांगता संबंधी जो आंकड़े हैं, वो तेजी से नहीं बदल जाएंगे, यह एक त्रुटिपूर्ण धारणा हो सकती है। देखो विकलांगता के आंकड़ों में थोड़ा ही बदलाव आएगा, कुल आंकड़ों में ना मार्जिनली थोड़ा ही बदलाव आएगा, लेकिन तादाद को, संख्या को देखते हुए मतलब अच्छी मात्रा में होगा ये लगभग, लेकिन 6.1 लाख सैंपल की बात की गई है, सैंपल परिवारों की संख्या की बात की गई है जिन पर NFHS निर्भर करता है। ठीक है, तो इन पूरे आंकड़ों को सही मायने में एक तरह से ये जो है ना प्रतिनिधिक बनाएगी। जो यहां पे देखो, द एलैबोरेट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय NFHS विल प्रोवाइड वैल्यूएबल स्पेसिफिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ द डिजेबल्ड, समथिंग ऑन दैट स्केल हिथेरटो कंसिस्पियस बाय इट्स एब्सेंस। यहां पे बात की गई है कि NFHS द्वारा पूछे जाने वाले जो विस्तृत जो प्रश्न हैं, NFHS मींस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सवाल जो हैं, वो विकलांगों की, दिव्यांगों की जिंदगियों से, जीवन से जुड़ी मूल्यवान, मतलब जो महत्वपूर्ण सटीक जानकारियां हैं, वो उसमें वो मुहैया कराएंगे। देखो ये सवाल NFHS में सवाल पूछा जाएगा, दिव्यांगों के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवालें पूछी जाएंगी, तो इससे क्या होगा, सटीक जानकारियां उपलब्ध होंगी, ठीक है, जो अभी तक उस पैमाने पर, उस लेवल पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, व्हाइल द SRS डज अ गुड जॉब विद मार्किंग द प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ डिजेबिलिटी, एजुकेशन लेवल, लिविंग अरेंजमेंट्स, केयर गिवर सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग अदर्स, द NFHS आस्क मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे NFHS की जो बात की गई है कि NFHS जो SRS है, पहले SRS देखो, SRS जो है वो विकलांगता के जो इंसिडेंट्स है और उसके प्रसार को, ठीक है, मार्क करेगा, चिन्हित करेगा। ठीक है, SRS यहाँ देखो, ठीक है, ये चिन्हित करेगा। और दूसरी बात, NFHS जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, वो शैक्षणिक स्तर पर, एजुकेशनल लेवल पर रहने के जो इंतजाम है, देखभाल करने वाले जो हैं, विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है, सुविधाएँ जो हैं, फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ तक जो एक्सेस है, उस वहाँ तक पहुँच जो है, और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, आदि से संबंधित सवाल जो है वो NFHS में पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा NFHS का ना दायरा थोड़ा व्यापक हो जाता है, NFHS में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इट सिक्स आंसर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, इसमें इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधित स्थिति पर, एक्सेस टू हेल्थ स्कीम्स। ठीक है, हेल्थ स्कीम्स की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुंच है, स्वास्थ्य योजनाओं तक जो पहुंच है, इंश्योरेंस तक जो पहुंच है, उससे संबंधित पूरे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उस पर विस्तृत ब्यौरा लिया जाता है। बात यही है सेक्सुअल बिहेवियर की, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग की, जैसे कि मतलब एक तरह से इसमें जो पूरा डेटा लिया जाएगा, ठीक है, पूरा एक तरह से विस्तृत स्तर पर यहाँ पे यौन व्यवहार को लेकर के, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो है, परिवार नियोजन जो है उसकी उपलब्धता को लेकर के, गर्भ निरोधक के इस्तेमाल, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन को लेकर के, जो पारिवारिक हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, हाउस होल्ड एम्यूनिटीज एंड पोजेशंस, यानी कि हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स क्या होता है, मीन एक तरह से
घर में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं और जो वस्तुएं हैं उसको लेकर के, जीवन शैली से जुड़े सूचक जो हैं, है ना, लाइफ स्टाइल जो इंडिकेटर्स हैं, पानी, पीने के पानी तक जो पहुंच है, एक्सेस है उसको लेकर के, और टॉयलेट्स, टॉयलेट्स तक के पहुंच की, मतलब घर में टॉयलेट है कि नहीं, उस सब को लेकर के पूरा एक व्यापक प्रश्न है, उसकी सूची है इसमें, उस पर पूरे प्रश्न के आंसर लिए जाएंगे, इससे पूरा ब्यौरा मिलेगा, पूरी सूचना मिलेगी, ठीक है। चलो, देयर इज नो डाउट दैट, ऐसी कोई शंका नहीं है कि लेटर विल यील्ड बेटर, कि NFHS जो है वो बेहतर काम करेगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है मोर डाइवर्स डेटा, एक सटीक डेटा, मजबूत डेटा देगा डिजेबिलिटी सेक्टर पर, है ना, जो एक तरह से दिव्यांग वाला क्षेत्र जो है, जो विकलांगता वाला सेक्टर जो है, उस पर एक मजबूत डेटा यह प्रदान करेगा। While Health Ministry officials claim that the sole NFHS question on disability too resulted in under-reporting, that might actually be a function of training for field staff who ask the questions. यहाँ पे बात ये भी आती है कि बात यहाँ पे ये NFHS के जो अधिकारी जो हैं, ठीक है, अब देखो NFHS जो है विकलांगता क्षेत्र में अच्छा आंकड़े देगा, सटीक आंकड़े देगा, जो कि रिक्वायर्ड भी है, जरूरी भी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी जो हैं, आगे चल के बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के इकलौते सवाल के परिणाम स्वरूप भी जो वास्तविक संख्या में कम रिपोर्टिंग हुई, ठीक है, लेकिन ऐसा जो कम रिपोर्टिंग की जो बात है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण के चलते भी हुआ होगा, फील्ड स्टाफ जो सवाल पूछता है, जो जाता है फील्ड में काम करने के लिए, तो उसका जो प्रशिक्षण है उस स्तर पर नहीं हुआ होगा, जिसके कारण ये कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकारों को, ठीक है, द स्टेट मस्ट एम्प्लॉय दीज एफर्ट्स, राज्य सरकारों को इन प्रयासों का जरूर लागू करना चाहिए, एडिंग क्वेश्चन ऑन डिजेबिलिटीज, डिजेबिलिटीज पर प्रश्न जरूर पूछने चाहिए, ट्रेनिंग फील्ड स्टाफ, जो फील्ड स्टाफ का ट्रेनिंग प्रशिक्षण वो होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से राज्य सरकार को जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज नथिंग, हम नेक्स्ट कर लेते हैं, बिकॉज नथिंग रियली जस्टिफाइज एनी अटेम्प्ट टू कीप अ सिग्निफिकेंट सेक्शन आउट ऑफ अ मैसिव स्केल काउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो एक तरह से आप ये समझो, क्योंकि राज्य सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आप देखो भारतीय आबादी की जो इतनी बड़ी संख्या है, जो विकलांग आबादी है, वो जो अहम तबका है यह, ठीक है, इतनी भारी संख्या जिसमें सभी हैं, है ना, जो है विकलांग है, दिव्यांगजन है, और भी कई सारे आबादी में जो है सभी तबकों की भागीदारी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो विकलांग वर्ग जो है उसको हम बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, उसको भी हमें ऐड करना ही चाहिए, ठीक है, और उसको अगर बाहर रखा गया है तो इसे किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में जायज या एक तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। विकलांग आबादी को, दिव्यांग आबादी को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब उनका समावेशन यहां पर होगा, ठीक है। तो आज उसी पर चर्चा थी कि NFHS क्या है, ठीक है, उसमें क्या इसमें हटा दिया गया, ठीक है, उन्हें ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है, एक्टिविस्ट की मांगों पर उन्हें ऐड किया गया था, लेकिन जो NFHS 6 है, छठा दौर है, उसमें उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है, तो उसको लेकर चर्चा की गई, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।